यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मैंने अप्पम बना लिया था, क्योंकि थोड़ा बैटर बचा था तो इसको मैंने अप्पम पैन में अप्पम बना लिया था। और इसकी रेसिपी है, इसलिए मैं यहाँ पे फुल रेसिपी नहीं दे रही हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आप सब अपना बहुत सारा ध्यान रखें। और तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मैं दो क्रीम लाई थी, मॉइस्चराइजर क्रीम, तो मैंने आपको शेयर किया था। फिर मैंने बोला था कि अब मैं यूज करके फिर आपको उसका रिव्यू दूंगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये दोनों क्रीम जो मैं लाई थी। तो ये है, देख सकते हैं, ये मैंने आपको दिखाया भी था। ये पतंजलि का एलोवेरा है मॉइस्चराइजिंग, और ये जो है कोकोनट नर्सिंग क्रीम है। ये दो क्रीम है और ये बहुत अच्छी हैं, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने जो है इन दोनों में से कौन सी अच्छी है और कौन सी कम अच्छी है, कौन सी ज़्यादा अच्छी है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी मैं। और कौन सी कब लगानी है तो दोनों का मैं बताऊँगी। और तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग क्रीम इसके बारे में बताती हूँ। ये क्रीम जो है वो पतंजलि की है, ये मैं पहले भी यूज कर चुकी हूँ और ये क्रीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज करती है। और आपको अगर नहाने के बाद आप इसको लगाते हैं तो ये काफ़ी टाइम तक। सबसे पहले मैं एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग क्रीम के बारे में बताती हूँ, और ये एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग बहुत अच्छा है, अभी गर्मियाँ भी हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और ये जो है इसके अंदर जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नेचुरल हैं, और जो उसको लगाने से हमारे फेस बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ, बाकी सब इस पे मेंशन भी है। और इसका प्राइस जो है वो वेट है इसका 50 ग्राम और प्राइस है 75। तो इसको आप दिन में कैसे यूज करना है, इसको दो बार सुबह और शाम आप यूज करें। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सारा यहाँ पे दिया गया है, मेंशन है। और ये काफ़ी अच्छी है और मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज कर रही हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। बीच बीच में मैं चेंज भी करती रहती हूँ। तो और ये जो है ऑल स्किन टाइप है, इसमें मतलब किसी भी जो है स्किन के लगा सकते हैं। और सेकंड जो है मैं थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे ये मेंशन है, इसके अंदर है घृत कुमारी और जैतून का तेल और सिया बटर, कोकोनट ऑयल, गेहूं का तेल, हल्दी एक्सट्रैक्ट। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, इसको मिला के बनाया गया है, तो बहुत अच्छा है ये। सेकेंड लाई थी वो है ये कोकोनट नरिशिंग क्रीम, और ये फ्रूट्स एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, पतंजलि का है, इसका वेट 50 ग्राम है और इसमें सारे जो है नेचुरल चीज़ें हैं। और ये जो है स्पेशली जिनकी स्किन ड्राई होती है उनके लिए है। और इसको जो है अगर आप रात में लगाते हैं तो बेस्ट रिजल्ट मिलता है। मैं इसको रात में लगाती हूँ सोते समय, और ये अगर आपकी स्किन ड्राई है, रफ है, तो आप इसको यूज करें रात में। और रात में अगर हम कोकोनट फेस पे लगाते हैं तो हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं, तो ये तो और अच्छा फ़ायदा देने वाला है। तो ये तो रात में यूज कीजिए, और जो एलोवेरा वाली है वो सुबह शाम। और इसके अंदर भी देखिए कोकोनट दिया हुआ है, जैतून का तेल है, घृत कुमारी है, केला है, पपीता है, खीरा है, चीज़ें सब कितना कितना दिया है वो सब मेंशन है। यहाँ पे देखिए ये यूजफुल और किस मटेरियल से बना है, और ड्राइनेस एंड रफनेस स्किन के लिए है, अप्लाई करने कैसे फेस और नेक पे अप्लाई करना है। तो मुझे तो दोनों ही अच्छी लगी हैं, तो आप दोनों ले सकते हैं। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोग को बता रही हूँ, और जो मैं शेयर कर रही हूँ, जो मैं यूज करती हूँ उसके हिसाब से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो आप सब ले सकते हैं, बहुत अच्छी है।
फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके काम की होगी, और ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। यहाँ पे मैं मखाने को रोस्ट कर रही हूँ, आरिका को पसंद है तो मैं घी डाल के थोड़ा सा साल्ट ऐड करके इसको रोस्ट करके दे देती हूँ तो वो खा लेती है, उसको पसंद है, मुझे भी अच्छा लगता है। और इसकी जो एक मखाने खाने से क्या फ़ायदे होते हैं वो वीडियो मैंने अपने चैनल पुष्पलता किचन पर शेयर किया है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। मैंने फुल इसके ऊपर वीडियो बनाया है कि मखाने खाने से कौन कौन से बीमारियों में फ़ायदा करता है, हमें क्यों खाना चाहिए, तो वो आप देख सकते हैं। तो अभी मेरा सारा काम हो चुका है तो बस अब थोड़ी देर में कोई वीडियो शूट करूँगी, उसके बाद मैं लंच बनाऊँगी। तो मैं लंच बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सभी से। तो लंच कर लेते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं थोड़ी देर में। जब शाम होगी तब मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगी अपने पढ़ाई का, और आपको अपने पढ़ाई का वीडियो भेजूंगी। बट मेरी चैनल पूरे दिन की छुट्टी है तो मैं पढ़ाई करती रहूंगी, मेरी मैम ऐसा कहती है। पढ़ाई करने से हम फर्स्ट आ जाते हैं, जब स्कूल में जाओगे मैम मुझे क्या देंगी, फर्स्ट प्राइज। फिर मैं लेके आऊंगी फर्स्ट प्राइज, मैं फिर जीत जाऊंगी, फिर मैं उसके बाद में एग्जाम आएगा। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम के बाद मैं आपके साथ तो आज लंच में मैंने बनाया था तुअर की दाल और पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी बनाई थी, और यही था आज का लंच हमारा। तो बस अब हम लोग लंच कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलेंगे आप सभी से। और आप सब लोगों ने क्या बनाया लंच में ज़रूर बताइएगा कमेंट में। यहाँ पे आरिका ने प्रैक्टिस करी है स्मॉलेस्ट नंबर की तो बिगेस्ट नंबर की, तो देख सकते हैं आरिका ने कितना अच्छा काम किया है और कितना सुंदर लिखा है मेरी बेबी ने। और लेकिन अभी इसको कर्सिव राइटिंग सीखना है, तो अभी देखिए यहाँ पे 17, 11, 19, 14 ये सारा लिख दिया प्रैक्टिस में हमने बोला करने के लिए। और यहाँ पे देखिए ये भी स्मॉलेस्ट नंबर की प्रैक्टिस की है आरिका ने। आप भी बता दो आरिका, यहाँ पे बिग टू स्मॉल किया है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, अपनी पढ़ाई दिखा दी है आरिका ने। वेरी गुड दीजिएगा और स्टार भी दीजिएगा, बोलो आप। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।